रतलाम भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है जो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है जो चारों ओर से खूबसूरत स्थलों से घिरा हुआ है। फ्रैंड इस शहर की स्थापना जून 1948 में हुई थी लेकिन बाद में इसे 1949 में पुनर्गठित किया गया था। दोस्तों इस शहर के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि प्राचीन समय में इस शहर को रत्नपुरी के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ होता है कीमती रत्नों का शहर। फ्रेंड इस शहर को मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा रत्न सिंह को उनकी बहादुरी से खुश होकर दिया था और राजा रत्न सिंह के पुत्र राम सिंह के नाम पर इस शहर का नाम पहले रतन राम हुआ, बाद में इसे रतराम कहा जाने लगा और फिर यह जिला रतलाम के नाम से लोकप्रिय हुआ जो आज उज्जैन मंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय रतलाम में है। दोस्तों इस शहर का क्षेत्रफल 4861 वर्ग किलोमीटर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 36वां सबसे बड़ा शहर है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14 लाख के लगभग है। फ्रेंड आज रतलाम शहर अपनी व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधि के साथ मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से राज्य के राजस्व में वृद्धि का समर्थन कर रहा है। रतलाम के पास सोने चांदी के गहनों के अच्छे बाजार है जिसमें चांदनी चौक प्रमुख क्षेत्र है जहां सोने चांदी के आभूषणों की भारी बिक्री की जाती है। फ्रैंड रतलाम जिले में मैग्नीशियम खनिज संपदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश मैग्नीज खनिज भंडार की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों रतलाम शहर अत्यंत रमणीय शांत वातावरण मन को प्रफुल्लित करने वाला शहर है। यहाँ की संस्कृति परंपरा और सबसे बढ़कर यहाँ के मिलनसार लोग हैं जहाँ व्यवहार एवं आपसी भाईचारा सर्वप्रथम आता है। रतलाम अपने स्वादिष्ट स्थानीय सेवियों के लिए भी प्रसिद्ध है। रतलामी सेव एक प्रसिद्ध स्नैक है। इसके अलावा ये समोसा कचौरी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। फ्रेंड यह शहर आर्थिक गतिविधियों का एक उभरता हुआ केंद्र होने के नाते यह रोडवेज और रेलवे के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड इस शहर का प्रशासनिक विभाजन मंडल ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM, BDO और तहसीलदार होते हैं। इस शहर की साक्षरता 68.03% है। महिला पुरुष अनुपात यहाँ पर 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 19.67% रहा है। फ्रेंड ये शहर भोपाल से 294 किलोमीटर दूर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 783 किलोमीटर दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। फ्रेंड रतलाम पर्यटकों के लिए एक अद्भुत पर्यटक स्थल है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह शहर चारों ओर से खूबसूरत दर्शनीय स्थलों से घिरा हुआ है जैसे महालक्ष्मी मंदिर रतलाम। महालक्ष्मी मंदिर रतलाम शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। आप इस मंदिर में साल में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। दीपावली के समय सोना चांदी और रुपए से इस मंदिर को सजाया जाता है। रतलाम शहर के बड़े बड़े व्यापारी इस मंदिर में नकदी सोने चांदी जमा करते हैं और उसी नकदी और सोने चांदी से मंदिर को सजाया जाता है। दीपावली के दो दिन तक मंदिरों को इसी तरह से सजा के रखा जाता है। उसके बाद व्यापारी अपने नकदी और सोने चांदी वापस लेकर जाते हैं। तो दीपावली के समय इस मंदिर में आप जरूर जाएं और माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करें। कैक्टस गार्डन शहर के सिलाना पैलेस में स्थित कैक्टस गार्डन पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक अपेक्षाकृत नया बगीचा है जिसे लगभग 50 साल पहले सैलाना उद्यान परिसर में स्थापित किया गया था। शहर के सिलाना पैलेस में स्थित कैक्टस गार्डन पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये बगीचा लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ भारतीय किस्मों के साथ साथ कैक्टस की विदेशी प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं। कालिका माता मंदिर ये मंदिर मुख्य रतलाम शहर में स्थित है। कालिका माता मंदिर रतलाम शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्रि के समय 10 दिन का मेला आयोजित किया जाता है जिसमें शहर के लोग आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर गर्भ आयोजन होता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध राजघराने से रहा है। धोलावाड़ बांध रतलाम पर्यटन के लिहाज से यह एक शानदार जगह है जिसे सरोज सरोवर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। धोलावाड़ बांध यहाँ आने वाले सैलानियों के मध्य काफी लोकप्रिय है। यह बांध राती में स्थित है जो रतलाम से 25 किमी की दूर है। बांध के आसपास का दृश्य काफी लुभावना है। यहाँ सैलानी सूर्यास्त देखने और शांत हवा और शांत माहौल का आनंद लेना ज्यादा पसंद करते हैं। श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर
यहाँ पर शिव भगवान जी का मंदिर है। यह मंदिर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर बरसात के समय आते हैं तो बरसात में यहाँ पर जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। केदारेश्वर मंदिर में जलप्रपात के नीचे चट्टानों को काटकर गुफा बनाई गई है। यह गुफा मानव निर्मित है और यहीं पर शिवलिंग विराजमान है। आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक गहरा कुंड है। जलप्रपात एक कुंड पर गिरता है। यह जगह चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पर बरसात के समय चारों तरफ हरियाली रहती है। दोस्तों, इनके अलावा भी रतलाम डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय स्थल मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।